जिला पुलिस मुखी सरदार भुपिंदर सिंह वालों अज रिटायर्ड पुलिस अफसर नाल एक मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान रिटायर्ड पुलिस अफसर तो उन्होंने दुख दर्द सुने गए, उन्होंने विचार वटांदरा किया गया और उन्होंने आ रही मुश्किलों के हल बारे रस्ते कढ़े गए। इत्थे नाल ही जिला पुलिस मुखी सरदार भुपिंदर सिंह ने बोलते हुए कहा कि जल्द ही वो रिटायर्ड पुलिस अफसर को पंजाब पुलिस विच भर्ती हुए नवे पुलिस अफसर अते नवे पुलिस रंग रूटा नू ट्रेनिंग दवाणगे, इसलिए रिटायर्ड पुलिस अफसर तैयार रहन। इस मौके रिटायर्ड पुलिस अफसर ने कहा जिला पुलिस मुखी वालों उन्होंने एक वधिया ऑफर दिती गई है, जिस तहत वो अपने काम विच निपुण रिटायर्ड अफसर को नवे भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों नू ट्रेनिंग देंगे। इत्थे बोलते हुए वख-वख अधिकारियों ने अते जिला पुलिस मुखी ने की कुछ किया, ये सब कुछ जानने लिए साढ़े नाल बने रहो। सर अज SSP साहब आए थे तुहाडे कोल, ते किस तरह का मुलाकात सी जी अज जी? बहुत वधिया जी, साढ़े SSP साहब ने सानू पूरा रिस्पोंस दिता। जदों के पहले SSP साहब ने भी सानू पूरा सहयोग दिता सी, इन्होंने भी साढ़े पूरा सहयोग देने का विश्वास जवाया, तो सानू इन्हां ते पूरी उम्मीद है कि ये अपने कहे दे उत्ते पूरा। एक SSP साहब वालों एक गल कही गई है कि जिहड़ा साबका जिहड़े मुलाजमान ने उन्होंने को सेवावान लिया जाएगियाँ, ट्रेनिंग दवाई जाएगी नवे मुलाजमान, किस तरह देखते हो? बिल्कुल जी, साढ़े बहुत ही लायक भी सियाने ने जोड़े पुराने IO रहे ने, बहुत सियाने रहे ने, SHO रहे ने, वो जोड़े बहुत चंकी ट्रेनिंग जोड़े ने नवे बंद दे सकते हैं, और असी उन्होंने विश्वास दवाया कि असी हर तरीके हर तरह ना असी थोड़े नाल हैं, तो असी इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं सारे। सर अज तुहाडे वल्लों विजिट की गई है, किस तरह की समस्या जिहड़े साबका मुलाजमान दी आईयां ने सामने? इत्थे आके मैनूं बड़ा बहुत वधिया लग्या, साडा सारा परिवार है, तो परिवार के हमेशा आके ही जी अपन निजी टेंशन या कोई होर चीज़ दूर ही होंदी है, तो मैं इत्थे आके जिन्हें भी सारे नाल गलबात की किसी की कोई एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट इन्होंने सारे असी सही माहौल दे विच गलबात की है। जो भी किसी नूं कोई अपनी निजी या एज एसोसीएशन के तौर पर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं 24 घंटे में हाजिर है, तो मेरे ईवन पुलिस अफसर सारे उन्होंने भी हिदायत की जाऊगी इमीजिएटली भी पहल के आधार पर सारे अपने रिटायरीज है जो सीनियर सिटीजनज है, तो इन्हें सारे नहीं बल्कि सारे सीनियर सिटीजनज है, उन्होंने पहल के आधार पर उन्होंने दुख तकलीफ सुनन ते उहदा हल कर। सर इन्हां तों कोई सेवावां भी ले जाई ले पंजाब पुलिस लै सकदी है कोई, किस तरह की है? बिल्कुल जी, असी जिहड़े साडे IOs हैगे थाणे दे विच जी, जिन्हां नूं इन्हां वल्लों रिटायरीज वल्लों जिन्हां ने बहुत साल अपने अपने महकमे नूं ते अपने समाज नूं दित्ते है, इन्नी सर्विस कीती है जी, सर्विस दौरान इन्हां ने इन्वेस्टिगेशन दे विच बहुत सारे रिटायरीज है जिहड़े महारत हासिल है, तो इन्हां दीआं सेवावां ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IOs नवे IOs है नवे लगे है, तो उन्होंने जी सिखाउण दी इन्हां ट्रेनिंग देन दी इन्हां दे नाल मैं गलबात की है, तो असी इत्थे कोर्सेज चलावांगे पुलिस लाइन के जिथे कि इन्हां दी आपां जिहड़ियां सर्विसिज़ नूं यूज़ करांगे, ताकि जिहड़े साडे नवे IOs हैगे जिन्हां नूं इन्वेस्टिगेशन दे विच इन्नी महारत नहीं हासिल, उन्हां नूं आपां इहदे विच इन्वेस्टिगेशन टैक्नीक्स दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच की कुछ आपां लिखना पढ़ना होंगे कि एविडेंस इकट्ठी करनी होंगी है जी, उस संबंधी उन्होंने जानकारी वादा कर सकते जी। फाजिलका पुलिस की गल करिए, किस तरह की तुहाडे आने तों बाद चेंजेस लिया जा रही है जी लगातार जी? देखो जी, ये साढ़े वालों पहला तो क्राइम को कंट्रोल करन दे पूरा असी जिहड़ा एफर्ट्स कीतियां हुई हैं, जिहदे दौरान तुसीं पिछले समय देखे ही है चोरी के काफ़ी मोटरसाइकिल बरामद होए, साडा जिहड़ा शराब नजायज़ शराब कढ़न वाला ते लगातार एक्शन जारी है, जिस दे विच कोई मेजर कई बार कोई ट्रैजडी हो जाती है उसनू ताकि अवॉइड किया जा सके, तो कई पिंडा दे विच जिते लगातार ही शराब नजायज़ शराब कढ़ते सी उत्थे साडी लगातार तपश पुलिस की जारी है, तो प्लस जिहड़े नशे के खिलाफ साडे जिहड़े विशेष मुहिम चलाई है उहदे दौरान असी कई मुकदमे दर्ज किए हैं, जिते सानू रिकवरी जिवें मुख तौर पर जो 260 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई है, तो उस तो बाद कई जन तो 100 ग्राम एक लेडी दूर। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।